प्रदेश की चारों लोकसभा सीट पर जीत को देखते हुए लोकसभा टिकट के लिए सबसे अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। ये बात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने धर्मशाला में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कही। राठौर ने कहा कि रैली को लेकर सभी को टारगेट दिया गया है, सभी अपने अपने स्तर पर भीड़ भी जुटाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा की रैली में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ था, लेकिन हम अपने स्तर पर रैली करने जा रहे हैं, जिससे ऐतिहासिक बनाने के लिए हर कार्यकर्ता जुट गया है। उन्होंने कहा कि रैली की तैयारियों का जायजा लेने प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रंजनी पाटिल धर्मशाला पहुंचेंगी तथा पार्टी पदाधिकारियों से बैठक करके रैली को लेकर रणनीति भी तैयार की जाएगी। राठौर ने कहा कि एआईसीसी की महासचिव प्रियंका गांधी, जिन्हें उत्तर प्रदेश का प्रभारी भी बनाया गया है, वो भी यदि हिमाचल में जनसभाएं करती हैं तो इसका निश्चित तौर पर फायदा होगा। पार्टी कार्यकर्ता प्रियंका गांधी में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की छवि देखते हैं। इसको देखते हुए पार्टी अध्यक्ष से प्रियंका गांधी की रैलियां हिमाचल में करवाने का आग्रह किया गया है। यदि प्रियंका यूपी से कुछ समय निकाल कर हिमाचल को देती हैं तो इसका फायदा प्रदेश में पार्टी को जरूर होगा। लोकसभा चुनावों में प्रत्याशी को लेकर कुलदीप राठौर ने कहा कि प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हो चुकी है। इस बार कांग्रेस की जीतने की संभावना अधिक होने के चलते अधिक संख्या में कार्यकर्ताओं ने टिकट के लिए आवेदन किया है। उन्होंने कहा कि अब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है, टिकट आवंटन को लेकर केंद्रीय नेतृत्व ही निर्णय लेगा। राठौर ने कहा कि कार्यकर्ताओं को पूरा विश्वास है कि अच्छे व युवा उम्मीदवार मैदान में होंगे तथा कार्यकर्ता मिलजुल कर उनकी जीत सुनिश्चित करेंगे। देखिए, जो नितिन गडकरी की रैली थी वो सरकारी रैली थी, क्योंकि जिस ढंग से इन्होंने सत्ता का पूरा जो है दुरुपयोग किया और जो पंचायतों से जो प्रतिनिधि थे या महिला मंडल है उनको जो है सरकारी दबाव के तहत जो है उस रैली में जो है इन्होंने लाने का प्रयास किया। जबकि हम जो है विपक्ष में हमारे जो भी कार्यकर्ता आ रहे हैं वो अपने साधन खर्च करके इस रैली में सम्मिलित होंगे। सर, कितने कार्यकर्ता आने की उम्मीद है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो जनसभा हुई उससे बहुत बड़ी जनसभा ये होने वाली है। हमारा टारगेट ये है कि जो पीछे दो जनसभाएं यहाँ हुई उससे बहुत ज़्यादा भीड़ हम जो है राहुल जी की रैली में जुटाने वाले हैं। सर, टिकटों के बारे में, जो लोकसभा की चुनाव की टिकटें कब तक आवंटित की जाएंगी? देखिए, पिछले दिनों हमारी जो प्रदेश चुनाव समिति है उसकी शिमला में बैठक हुई और लगभग हमारे 41 आवेदन आए हैं, बहुत ज़्यादा आवेदन आए हैं। और आवेदन ज़्यादा पार्टी के लोग इसलिए करते हैं जब उनको लगता है कि जीतने की संभावना है बहुत ज़्यादा, तो हमने सभी आवेदनों पर विचार किया। इसके बाद हमारी जो प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, हमारी जो स्क्रीनिंग कमेटी है उसकी बैठक होने वाली है, उस बैठक में हम शॉर्ट लिस्ट करेंगे और अंतिम फैसला जो हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है वो जो है उम्मीदवारों को लेकर फैसला करेगी। उम्मीद की एस टुडे के लिए धर्मशाला से निप्पी की रिपोर्ट।